नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे वो आपने वॉलपेपर में देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे 1857 की महान क्रांति के बारे में, और अगर वीडियो का टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ा तो कुछ और भी हम बातें इसमें कवर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक काम की बात, मेरे काम की बात नहीं बल्कि केवल आपके काम की बात, ध्यान से सुनिएगा और इस बात पर विचार जरूर करिएगा कि एसएससी की तैयारी का सिद्धांत क्या कहता है। एसएससी की तैयारी का सिद्धांत काम आता है कब, जब आप कम पढ़ो लेकिन जो पढ़ो उसे पूरा पढ़ो और अच्छी तरह से पढ़ो। थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानने के बजाय थोड़े को अच्छी तरह जानने की नीति अपनाओ। हम लोग जल्दीबाजी में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन किसी भी एक टॉपिक पर हम लोग अपनी पकड़ नहीं बना पाते, तो मेरी इस बात पर प्लीज़ विचार करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, 1857 की महान क्रांति। सबसे पहला पॉइंट कि 29 मार्च 1857 के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इस दिन को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से साफ साफ मना कर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ, उसे गिरफ्तार कर लिया और फांसी पर उसको चढ़ा दिया गया। कब, 8 अप्रैल 1857 को। तो यहाँ पे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों को कब मना करा था, 29 मार्च 1857 को। उसे फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को। तो ये बात आप याद रखिएगा, दोनों को दोनों वर्ड्स और डेट और मंथ इसको अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना। अगर बुक नहीं है तो मार्केट से परचेज कर लो, अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको इसका लिंक दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। या फिर परचेज भी नहीं करनी है, ऑनलाइन भी परचेज नहीं करनी है, पैसे नहीं है, कुछ भी कंडीशन आपकी हो सकती है, तो आप अपने साथ में उठाइए एक A4 शीट और उसमें नोट करिए इन सभी फैक्ट को। 10 मई 1857 ईस्वी के दौरान मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी, कब हुई थी, 10 मई 1857 को। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख केंद्र, प्रमुख नायक, विद्रोह की तिथि और विद्रोह को दबाने की तिथि क्या रही थी। तो दिल्ली में बात करते हैं, दिल्ली में जो इसके भारतीय नायक थे, नेतृत्व करा था, वो करा था बहादुर शाह जफर बख्त खां ने, और कानपुर में करा था नाना साहब ने, लखनऊ में करा था बेगम हजरत महल ने, झांसी में करा था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद लियाकत अली ने इसका नेतृत्व करा था। कब कब करा था ये फिलहाल नहीं पूछेगा आपसे, वो पूछेगा भारतीय नेता कौन थे, भारतीय नायक कौन थे, नेतृत्व किसने करा था और ब्रिटिश नायक कौन थे। तो इसमें आपको ये सभी आपको पॉइंट याद रखने हैं, और इसके साथ आपको ब्रिटिश के अगर बारे में बात की जाए, उस टाइम पे ब्रिटिश नायक कौन था इसको दबाने के लिए विद्रोह को, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका दिल्ली वाले, मतलब ब्रिटिश नायक जो दिल्ली में रहे थे वो काफी इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे आगे, फिलहाल ये आपका जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आप छोड़ दीजिएगा, चलेगा। आगे हम बात करते हैं, एक नोट छोटा सा उसमें लिखा है कि तत्ते टोपे का वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम था पांडुरंग, और 8 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो तत्ते टोपे को जो थे कब चढ़ाया गया था फांसी पर, तो इनको फांसी पर चढ़ाया गया था 8 अप्रैल 1859 को। बस इसमें केवल इतना ही है, ठीक है, आपको नाम याद रखने हैं, भारतीय नायक कौन थे, कहाँ के, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और इलाहाबाद के, ठीक है। उसके बाद कब शुरू हुआ था, बैरकपुर में कौन था, मंगल पांडे, पहली बार उसने मना करा था, उसको फांसी पर कब चढ़ाया गया था। तो प्रीलिम्स एग्जाम में एक्चुअली ब्रिटिश नायक कई बार पूछा गया है, जो स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हैं कि दिल्ली का ब्रिटिश नायक कौन था उस टाइम पे, लखनऊ का कौन था, तो आपको ये पूरा का पूरा जो टेबल दे रखी है सामने, ये सभी आपको नोट करनी है और याद करनी है इसको, जो स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हैं। और एसएससी वालों को केवल इतना यही रखना है याद कि केंद्र क्या था और भारतीय नायक कौन थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे। देखिए पहला अंग्रेजी विद्रोह संघर्ष जो हुआ था वो हुआ था सन्यासियों के द्वारा,
आपसे एग्जाम में पूछता है कि पहला अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा संघर्ष हुआ, तो उसका नाम बताइए। आपको चार विद्रोह का नाम देगा, ठीक है, उसमें आपको 1857 का भी देगा, लेकिन उससे पहले हुआ था सन्यासियों का विद्रोह। तो आप याद रखिएगा, सन्यासियों के द्वारा किया गया विद्रोह विद्रोह जो था वो था आपका पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, उसका नाम है आनंद मठ। अगर आप आनंद मठ को पढ़ते हैं, ये उपन्यास, ये नॉवल को पढ़ते हैं, तो आपको सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलेगा। और एग्जाम में आपसे यहाँ पे ये भी पूछता है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है, बंकिम चंद्र। अगला जो पॉइंट है वो है कि 1887 ईस्वी में दादा भाई नरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी थी। उसके बाद मैं डायरेक्ट आता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, कर्जन ने क्या कहा? कर्जन ने जो कहा था, कर्जन ने ये कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये कथन किसका था? ये कथन था कर्जन का। और अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? ये कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के क्या हैं, भूखे राजनीतिज्ञ हैं, उनको कुर्सी से काफी क्या है, प्यार है, उनको अपने पद से काफी प्यार है। 1906 में, देखिए मैं बीच के कुछ चीज़ स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको एक एक लाइन पढ़नी है, हाईलाइट करना है पूरी बुक को, तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके हाईलाइट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखो मेरा मानना यही है कि नोट्स केवल वही बनाओ जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत करी। पहली बार स्वराज की मांग कहाँ पे प्रस्तुत करी गई थी? कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नरोजी। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1906। हर पॉइंट इसमें ऑलरेडी हाईलाइट है, आप भी इसी तरीके से अपनी बुक को हाईलाइट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल और एवं उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा था, और बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। अमार सोनार बंगला गीत जो बना था, किसका राष्ट्रीय गीत है? तो यह है आपका बांग्लादेश का। इसको लिखा किसने था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। आगे हम बात करते हैं प्लेग के बारे में। प्लेग के समय की जातियों मतलब कि ना इंसाफियों से प्रभावित होकर के पूना के दो भाई थे, दामोदर एवं बालकृष्ण, इसको बोलते हैं चापेकर बंधु, ने क्या करा? प्लेग के अधिकारी थे रैंड एवं अयर्स्ट की हत्या कर दी। मतलब वो अधिकारी थे लेकिन पद पर बैठे हुए थे, प्लेग को कंट्रोल करना उनका काम था लेकिन वो नहीं कर पाए। पूरे के पूरे जो पूना था उसमें प्लेग फैला हुआ था, उसके प्रति इनकी ज्यादा पॉजिटिव दृष्टि नहीं थी। गुस्सा आया चापेकर बंधुओं को, मतलब दामोदर एवं बालकृष्ण को, उन्होंने जाकर के उन दोनों की हत्या कर दी। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे युगांतर। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया, और इन दोनों ने क्या करा? युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित करी थी, और अभिनव भारत संगठन के सदस्य PN वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। महाराष्ट्र में जो क्रांति फैली थी उसका श्रेय किसको जाता है? तिलक को, और उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसका नाम क्या था? केसरी। अब तिलक के बारे में बात करी जाती है, एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि गणपति विसर्जन जो करते हैं वो, और शिवाजी उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाने का श्रेय किसको मिलता है? ये मिलता है आपका तिलक को। तिलक ने ही गणपति विसर्जन जो होता है उस जो पर्व था उसकी स्टार्टिंग करी थी, और साथ में बात करी थी शिवाजी उत्सव के बारे में। तो ये दोनों ही बनाए गए थे। गणपति उत्सव की स्टार्टिंग हुई थी 1893 में, और 2 साल बाद ही 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया जाने लगा। आगे बात करते हैं, वैलेंटाइन सिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था।
उसके बाद हम बात करते हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे दो महिलाओं की क्या हो गई, डेथ हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो सबसे कम अवस्था की उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला जो व्यक्ति था, क्रांतिकारी था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका खुदीराम बोस। और 15 वर्ष की आयु में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। कब? 1908 में। इसके बाद हम बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में, कामा गाता मारू। ये एक्चुअली एक जहाज है, उसका नाम है। और ये जहाज कहाँ का है? ये जहाज है जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा और बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और उन दोनों के बीच में क्या हो गया, मुठभेड़ स्टार्ट हो गई, दंगे फसाद स्टार्ट हो गए आपस में और 18 यात्री इसमें मार दिए गए और लगभग 25 यात्री क्या हो गए, घायल हो गए। तो ये पूछता है कि कामा गाता मारू जापानी जहाज कहाँ का था, ठीक है? तो ये एक जापानी जहाज था, ठीक है? ये इंसिडेंस कब हुआ था? ये हुआ था 1914 में, हुगली जब ये पहुंचा था तब। और जो बंदरगाह का नाम था वो था बजबज नामक बंदरगाह, तो ये आप स्किप मत करना, ठीक है? आगे बात करते हैं, 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित करा था और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई थी। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर के एक संयुक्त समिति की स्थापना करी थी। अब हम बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करी थी और जॉर्ज अरुडेल को लीग का सचिव बनाया था। आगे हम बात करते हैं, देखिए गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला क्या कहा था, सर्जेंट कहा था, क्योंकि एक्चुअली इतिहास में माना गया है कि गांधी जी की बहुत वैल्यू थी। इतिहास क्या, अब तक भी इनकी मान्यता बहुत ज्यादा है। आप देखते हैं कि नोट में इनकी तस्वीर होती है, ठीक है? तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था तो भारतीय लोगों को बोला था कि अंग्रेजों का सहयोग करो और उनकी सेना में भर्ती हो जाओ, क्योंकि उन पे विपत्ति आ रही है तो हम पे भी आ सकती है, तो हमारा कर्तव्य बनता है अच्छे नागरिक होने के नाते कि हम उनकी सहायता करें। तो इस तरह से बोला गया कि गांधी जी एक्चुअली एक सर्जेंट है, एक मतलब कि एक बीच में क्या है, मीडिएटर है एक तरह से, ठीक है, जो अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं। तो ये उनको संज्ञा मिली थी, किसको मिली थी, महात्मा गांधी को, कौन से युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अब हम बात करते हैं 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी और बिहार के किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित करा था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कटिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। आगे हम बात करते हैं, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब करी थी? तो यह करी थी अहमदाबाद मिल मजदूरों को लेकर के, कब करी थी, 1918 में। आगे हम बात करते हैं, देखिए कि गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। तो कर नहीं आंदोलन कौन से स्टेट में चला था? तो गुजरात के खेड़ा में चला था। कब चला था? ये चला था आपका 1918 में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आपको वर्ष याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और इसके बाद हमको याद करना है कि वहां पे एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा था, जो लोगों की इतनी गैदरिंग थी उस बाग में, तो वहां पे क्या था, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, दोनों नाम काफी फेमस हैं, ठीक है? ये दोनों डॉक्टर थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा हुई। लोगों ने बोला कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी को, इतने अच्छे इंसानों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, हम आवाज उठाएंगे। तो क्या हुआ, भरी जनसभा थी, पूरा बाग बिल्कुल खचाखच लोगों से भरा हुआ था। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार क्या था, केवल 379 व्यक्ति मारे गए थे, लेकिन
कांग्रेस समिति के अनुसार जो कांग्रेस कमेटी बैठी उन्होंने देखा कि इतने लोगों की लाशें वहां पे पड़ी हुई हैं, तो 1,000 व्यक्ति मारे गए थे। तो दोनों के आंकड़े अलग अलग थे, सरकारी आंकड़े मतलब अंग्रेजों के आंकड़े, उन्होंने काउंट करे 379, तो ये 3 गुना व्यक्ति कांग्रेसी समिति ने निकाले। और वास्तव में सेकेंड जो आंकड़ा था वो बिल्कुल सही निकला। बाद में आगे हम बात करते हैं, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। कौन सा भारतीय था जिसने डायर का सहयोग करा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत? तो वो था, उसका नाम था हंसराज। उसका नाम क्या था? उसका नाम था हंसराज। आगे बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि और जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी, लौटा दी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कैसरे हिंद और सर की उपाधि, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। केसरे हिंद जो था वो थे आपके महात्मा गांधी ने वापस करा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस करी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। इसमें पांचों के पांचों क्या थे? अंग्रेज थे, और 3 क्या थे इसमें? भारतीय थे। और कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था, और इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। इम्पोर्टेंट केवल केवल ये है कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, डॉक्टर का नाम क्या था, कितने व्यक्ति मारे गए थे, आंकड़े आंकड़े क्या कहते हैं, और किसने कौन सी उपाधि वापस करी थी। उसके बाद हम बात करते हैं, जलियांवाला बाग हम जो बोलते थे, एक जल्ली एक नाम था व्यक्ति, उसकी ये संपत्ति थी। और अब हम बात करते हैं, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर 1999 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है, MPPSC के एग्जाम में, UPPSC के एग्जाम में, और उत्तराखंड PSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा। और रही बात सीजियल की, तो सीजियल में भी पूछ सकता है, आप इसको पैन डाउन कर लेना। आगे बात करते हैं हम लोग अगले फैक्ट की ओर। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? 6 वर्ष की इनको बड़ी कारावास, मतलब 6 साल तक की इनको सजा सुनाई गई, लेकिन इनकी हेल्थ खराब हो गई गांधी जी की। उसके बाद में 5 फरवरी 1924 को इनको रिहा कर दिया गया। और 1922 के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन थे? ये थे मोतीलाल तेजावत। तो ये भी पर्सनैलिटी काफी फेमस पर्सनैलिटी है। आपने ये भील आंदोलन नहीं सुना होगा, अगर सुना है तो अच्छी बात है, लेकिन कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में, और उसके नेता कौन थे? उसके नेता थे मोतीलाल तेजावत। तो दोनों ही नाम आप याद रखिएगा, भील आंदोलन और मोतीलाल तेजावत। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। उनको एक्चुअली कांग्रेस से ज्यादा प्यार नहीं था, उनकी अपनी एक राय थी, उनका अलग विचार था, लेकिन ये अध्यक्ष बने थे। 1924 अधिवेशन हुआ था, जो कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में, इसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी। आगे हम बात करते हैं, देखिए 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता था। सरकारी खजाना लूटने के विचार सबसे पहले जो दिमाग में आया था वो आया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ये रूपरेखा किसने बनाई थी कि हम ऐसे ऐसे क्या करेंगे, सरकारी खजाना लूट सकते थे। तो ये विचार आया था राम प्रसाद बिस्मिल के माइंड में। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सुरेंद्र राजेंद्र लाहेड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। आगे बात करते हैं अशफाक उल्ला खां के बारे में। ये पहले भारतीय क्रांतिकारी थे जो मुसलमान थे और जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़े। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अशफाक उल्ला खां के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पहले मुसलमान क्रांतिकारी थे। पहले मुसलमान क्रांतिकारी कौन थे? अशफाक उल्ला खां, जो भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या करे, फांसी पर चढ़े। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था, और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। व्हाइट मैन कमीशन की संख्या किसको दी गई है? ये दी गई है साइमन कमीशन को। और ये कब आया था? ये आया था 3 फरवरी 1928 को। आगे हम बात करते हैं, देखिए 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन करते हुए पुलिस ने क्या करा? लाठी चार्ज करा, और लाला लाजपत राय की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट नहीं कहेंगे, कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी कंटिन्यू उनके सर पर प्रहार हुआ, खून निकलते रहा और ये चिल्लाते रहे लाला लाजपत राय की, कुछ दिनों बाद क्या हो गया, मृत्यु हो गई। अब हम छोटी सी बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? तो पूरा नाम था इनका चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। जन्म स्थान भावरा। जन्म 3
तिथि थी 23 जुलाई 1906। माता का नाम जगरानी देवी, पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी, ठीक है। और शहीद तिथि क्या है इनकी और शहीद स्थल, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है इनका शहीद स्थल क्या था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनकी शहीद तिथि क्या थी वो आपको याद रखनी है। शहीद स्थल था अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद और शहीद तिथि थी 27 फरवरी 1931। आगे बात करते हैं, देखिए हम लोग कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करा गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय करा गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। याद रखिएगा रावी नदी के तट पर कब, 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे। कौन थे समय अध्यक्ष, ये थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ में साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर, अपने आश्रम से कितना डिस्टेंस है इनका 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए एक प्रस्थान करा, एक यात्रा स्टार्ट करी। लगभग 24 दिनों बाद वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। किस कानून को तोड़ने के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, तो वो था आपका कानून तोड़ो आंदोलन, मतलब नमक कानून तोड़ो आंदोलन, ठीक है। और शुरुआत हुई थी 12 मार्च को और खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। टोटल डिस्टेंस कितना था 322 किलोमीटर और समर्थक मतलब उनके साथ में चलने वाले जो लोग थे गांधी जी के साथ में, वो टोटल थे 79। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, ये हुआ था 4 मार्च 1931 को। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता इज इक्वल टू में क्या, गांधी इरविन समझौता। अब हम बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल रहा। प्रथम कब हुआ, 12 नवंबर 1930 को, सेकंड हुआ 17 नवंबर 1932, थर्ड जो था वो हुआ था आपका 17 नवंबर 1932 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है। पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, लेकिन सेकंड में कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, महात्मा गांधी गए थे। लेकिन तीनों सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट करा था, यह आप याद रखिएगा। लेकिन उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये नाम जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ये नाम था उनका, ठीक है, जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे इंग्लैंड के। बाकी आगे बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों की प्रतिनिधि के रूप में बुलाए गए थे। अब हम बात करते हैं फिलहाल दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता जो हुई थी, उसके बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रह पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया, ठीक है। यहाँ पे केवल इम्पॉर्टेंट ये था गढ़वाल राइफल्स के बारे में। और आगे हम बात करते हैं, देखिए 23 मार्च 1931 को, ये डेट आप याद रखिएगा, इस दिन सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। और अगला जो पॉइंट है वो है कि मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी मई 1934 को। और अगला जो पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये क्या थे, ये तो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, महात्मा गांधी जी के काफी करीब थे। और जीतने के बाद में 1939 में जब ये चुनाव हुआ उसमें चुन लिए गए सुभाष चंद्र बोस, तो उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने ये बोला कि ये जो हार है वो पटाभी सीतारमैया की नहीं है, ये हार जो है वो मेरी हार है। तो जब ये शब्द सुभाष चंद्र बोस ने सुना तो उनको काफी हर्ट हुआ इस बात का कि इन्होंने ये शब्द कैसे बोला। तो जबकि जो उम्मीदवार थे वो सभी सुभाष चंद्र बोस को काफी चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सेम डे क्या करा, सुभाष चंद्र बोस ने पूरे कांग्रेस से रिजाइन दे दिया, अध्यक्षता से रिजाइन दे दिया गया।
ठीक है। उसके बाद में एक्चुअली ये अध्यक्ष नहीं बने, अध्यक्ष कोई और ही बने, पटाभी सीतारामैया उस टाइम पे अध्यक्ष नहीं बने थे। ये आगे की स्टोरी बाद में कभी हम कवर करेंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ अगले पॉइंट की ओर कि 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे बोलते थे फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्होंने रिजाइन दे दिया पूरे कांग्रेस से, लेकिन अंदर अंदर के जो लोग इनको चाहते थे उन्होंने अपनी एक ब्लॉक की स्थापना करी, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। एक गठन स्थापित करा और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। इनकी सेना का नाम क्या था? फ्री इंडियन लीजन। आगे हम बात करते हैं। देखिए, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे थे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। दिल्ली चलो आंदोलन में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, तो आपको नाम याद रखना है, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। आगे हम बात करते हैं। देखिए, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने, याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, कौन से अधिवेशन में, कब? 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र मतलब पाकिस्तान की मांग की। और पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग करा था, इस शब्द को जो जन्म दिया था, उनका नाम था रहमत चौधरी अली, या भी चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली इनका पूरा नाम था, जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान मतलब अल्लाह की नगरी, भगवान की नगरी, ठीक है। और मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्षता अल्लाह बख्श में खली कुजमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव भी रखा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की मांग कब रखी गई थी। आगे बात करते हैं। वर्धा 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्तावित करा। उसके बाद गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी के टाइम पे उन्होंने बोला था करो या मरो का नारा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? प्रातःकाल ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता जो थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो भी थे उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया। कब? 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस के अन्य अधिकारी को कहां रखा? अहमदनगर के दुर्ग में रखा। और राजेंद्र प्रसाद को भी नजरबंद कर दिया गया। और 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। इसलिए हम कहते हैं कि गांधी जी का आधा जीवन जो था वो जेल में व्यतीत हुआ। देखिए, 1942 में रिहा हुए, 1942 में वो कैद हुए, 1944 में 2 साल तक जेल में रहना कितना बड़ा बलिदान है, आप सोच के देखिएगा एक बार। आज के स्टूडेंट के लिए एक्चुअली हम जैसे जो भी लोग हैं, हम 2 दिन तक जेल में रहना बर्दाश्त नहीं करते, हमारे माइंड में कितने नेगेटिव ख्याल आएंगे। लेकिन सोचिए, 2 साल तक व्यतीत करना जेल में और उसके बाद भी पॉजिटिव रहना, दोबारा से खड़े उठना, सत्याग्रह करना, अपने आंदोलन को दोबारा से चलाना, बहुत बड़ी विल पावर होनी चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा बहुत फेर बदल हो जाता है तो हम उससे घबरा जाते हैं कि यार टाइम पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया, अब क्या होगा, हम लोग गिवअप कर देते हैं, कंपटीशन लाइन को त्याग देते हैं। आए भी तो आप अपनी मर्जी से थे ना, आपको किसी ने फोर्स तो नहीं करा था कि कंपटीशन लाइन में कूदो। जॉब छोड़ के काफ़ी सारे स्टूडेंट इस लाइन में कूदे होंगे, मुझे पता है, इस फील्ड में आए होंगे। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं, मेल वगैरह आती है, सर मैं यहाँ जॉब करता था बट मैंने रिजाइन दे दिया, अब मैं 100% डेडिकेटेड हूँ इस कम्पिटिटिव लाइन के लिए। तो 100% आपको अगर देना है तो कम से कम दो। और ये लाइन इतनी टफ नहीं है, ये ईजी है उन लोगों के लिए जो मेहनत से कतराते नहीं हैं। इन शॉर्ट स्टोरी ये है, ठीक है। मैं फिर अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया था, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में। और आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन करा गया था 1 सितंबर 1942 को और कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ही किया गया था, परंतु यह असफल रहा। और आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है रास बिहारी बोस को। किसको? रास बिहारी बोस को। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया।
नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। ठीक है, दो द्वीप थे, दोनों के नाम क्या था, एक का नाम था अंडमान और दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का नाम था आपका निकोबार द्वीप। अंडमान को बोला गया शहीद द्वीप और निकोबार को बोला गया स्वराज द्वीप के नाम से ये फेमस हुआ। और टोक्यो जाते समय, याद रखिएगा, टोक्यो जाते समय फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में एक आग लग गई, उसके बाद में क्या हो गया, 18 अगस्त 1945 को ये मारे गए। परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका कि इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी। ठीक है, ये अभी भी सस्पेंस में है। इसके बाद हम बात करते हैं फिलहाल कि इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1897 को कहाँ पे, कटक, वो कहाँ, उड़ीसा में। आगे सीधे हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को, कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाई और 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, मतलब लेबर पार्टी थे, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष जो थे उस टाइम पे घनश्याम दास बिड़ला थे। संस्थापक जो थे महात्मा गांधी द्वारा ये स्थापित हुआ था हरिजन सेवक संघ। हमको वैसे लगेगा कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, आपको 4 ऑप्शन देगा तो उसमें महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर भी आपको पक्का देगा। तो हमको लगता है कि बी आर अम्बेडकर एक्चुअली हरिजन से संबंधित काफी कार्य इन्होंने करे थे, काफी फेवर करते थे उनका, लेकिन वास्तव में स्थापना करी थी इन्होंने, ये करी थी महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब ये लोग दोनों गए थे आपस में, उन्होंने देखा कि यहाँ हरिजन की वास्तव में जो ST ST OBC वगैरह जो लोग हैं तो वो मतलब कि काफी दयनीय दशा में भारत में जीते हैं, तो उससे संबंधित उन्होंने ये संघ सेवक बनाया, मतलब हरिजन सेवक संघ बनाया उनके विकास के लिए। तो ये नाम है आपका महात्मा गांधी। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिया 1925 और 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 में कराची के अधिवेशन में दिया था और कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज झूले, और डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप में किया गया। दीन बंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है और ब्रह्मा समाज की प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। भारत भारतीयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नारा है। ठीक है, ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था आपका आर्य समाज ने दिया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी और स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। ठीक है, मुखबिरी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, खुदीराम बोस, और शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। और इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा आपने सुना होगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था आपका भगत सिंह ने। आगे हम बात करते हैं, देखिए भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। ये एक्चुअली प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है कई बार स्टेट के जो भी होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर यूपी का आप एग्जाम दे रहे हो कोई भी, तो उसमें आपका न्यायाधीश का नाम पूछा जाता है पेपर वन में, और सीजल में भी इसके पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है। और अपनी तैयारी कम से कम इतनी करके जाओ कि कम से कम एक लूसेंट बुक जो पढ़ी है जीके की, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। और मैंने आपको बताया है केवल और केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता ही होने चाहिए। चलिए अगला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं अपना, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आपका श्री नारायण गुरु ने। कौन, श्री नारायण गुरु ने। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा कहा था, और महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित करा था, तो ये करा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोनों को महात्मा और राष्ट्रपिता दोनों को उपाधि किसने किसने क्या दी थी, वो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले।
भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन मतलब कि सबको शुद्ध करना है, एक आंदोलन चलाया था, वो चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? तो ये बोला था चर्चिल ने। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है और ये कब मनाया जाता है ये आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वो डेट आपको बता रहा हूँ, आप मुझको बताएंगे उसका मंथ। तो डेट है आपकी 12/12, ठीक है? इतना हिंट आपके लिए शायद बहुत होगा। आई होप कमेंट्स मुझको मिलेंगे बहुत सारे इसके रिगार्डिंग। आगे हम बात करते हैं। देखिए, भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किसको दी गई है? तो ये दी गई है दादा भाई नरोजी को। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए ओ होम को हरमिट ऑफ शिमला कहा जाता है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, यह है आपका रॉलेट एक्ट। अगला जो पॉइंट है वो ये कि मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, चौधरी रहमत अली थे। आगे ये क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके एमटीएस एग्जाम में, 10+2 के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, हर एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा? एक उन्होंने शब्द कहा था, वो शब्द आप याद रखिएगा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी रास बिहारी बोस ने। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहां पर है? यह है आपका अंडमान में। कहां पर है? अंडमान में। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। किसने करी थी? पंडिता रमाबाई ने किस चीज की स्थापना करी थी? आर्य महिला सभा की। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आगे हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं के बारे में, उनकी स्थापना कब हुई, उनके संस्थापक कौन थे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपका कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।